खंडर बनता हंसता खेलता शहर। खुशियों से खिलखिलाता नगर। जहां तक नजर वहां तक बस तबाही का मंजर। यहां मौत को मातम तक नसीब नहीं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हजारों मिसाइलों से हमला किया, जिनमें 1,206 लोगों की मौत हो गई थी, और हमास ने इसराइल और दूसरे देशों के नागरिकों को बंधक बना लिया था। इसके प्रतिशोध में इसराइल ने जो दमन चक्र शुरू किया, वो अब दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों के विरोध के बावजूद इसराइल दुश्मनों को नेस्तोनाबूद करने के अपने प्रण से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। गाजा में इसराइल और हमास के बीच का संघर्ष अपने सबसे भयावह दौर से गुजरता नजर आ रहा है। इसराइल सेना यानी IDF ने गाजा को पूरी तरह तबाह कर दिया है। गाजा में अब तक 42,409 मौतें हो चुकी हैं। इमारतों के नीचे 10,000 से ज्यादा लोगों के शव दबे हुए हैं। बावजूद इसके इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। IDF और हमास के संघर्ष की नित नई तस्वीरें दुनिया की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। IDF से चारों तरफ से घिर चुकी इस इमारत को देखिए। इमारत के ऊपर मंडराता ड्रोन पल पल की हरकत कैद कर रहा है। IDF बार बार हमास के लड़ाकों को आगाह कर रहा है, गोलीबारी से बाज आने को कह रहा है, सरेंडर करने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे रहा है। जिससे हमास के लड़ाके सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। उसके बाद इजरायली सेना जो कहर बरपाती है, उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक जोरदार धमाका, धुएं का गुबार और मौत बांटने वाले काल के गाल में समा गए। धमाके के बाद जब इजरायली फोर्स इमारत में दाखिल हुई, तो यहां पर मरहम नहीं बल्कि खून बहाने का सामान मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि UNRWA क्लिनिक को हमास के आतंकियों ने सिर्फ अपना ठिकाना नहीं बल्कि लोकल कमांड सेंटर भी बना रखा था। आप यहां परिसर के अंदर उनके पास मौजूद हथियारों को देख सकते हैं। इन कमरों में हम अभी हैं, आप उन्हें अपने हथियारों पर निशाना लगाते हुए देख सकते हैं। यहाँ एक ड्रोन है जिसे हम एक्शन में देख सकते हैं, और ये सब हो रहा था एक क्लिनिक के अंदर, एक नागरिक परिसर के अंदर। हम इन आतंकवादियों का पीछा करेंगे और उन्हें ढूंढेंगे। जबालिया पर इजरायली सेना का कहर। UN क्लिनिक में चल रहा था कमांड सेंटर। हवाई हमले में हमास के लड़ाके ढेर। इन हमलों के बीच IDF को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के उत्तरी गाजा UAV कमांडर महमूद अल मबोहो को मार गिराया है। मबोहो इजरायल और गाजा में इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमले को कमांड करता था।
जाहिर है मबोह की मौत के ऐलान के साथ ही इसराइल के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन नेतन्याहू का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो पूरे संकल्प पूरी शक्ति से लड़ रहा है। इसराइल जानता है कि उसे अपने दुश्मनों से खुद निपटना है, तभी वो अमेरिका जैसे अपने सरपरस्त से भी दो टूक शब्दों में कह रहा है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके राष्ट्रीय हित पूरे नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।